आज हम लोग किसकी चर्चा करेंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल की। किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, नहीं होता है, सब समझेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, तो सिंपल सा समझो, एक पॉजिटिव चार्ज एक निगेटिव चार्ज जब काफी कम डिस्टेंस पे होते हैं तो उस अरेंजमेंट को क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल। मतलब क्या है कि क्या मतलब है इसका? मतलब तो वही है, एक हमारा निगेटिव चार्ज माइनस क्यू, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब कह सकते हैं एक निगेटिव एक पॉजिटिव, जो काफी कम डिस्टेंस है। मतलब कितना डिस्टेंस, मान लिए इन दोनों के बीच का डिस्टेंस काफी कम है, मतलब इसको 2a मान लिए, तो काफी कम डिस्टेंस पर जब रखा जाता है, छोटे से डिस्टेंस पर जब दो अपोजिट नेचर के चार्ज को विद सेम मैग्नीट्यूड को रखा जाता है तो उस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं? ठीक है, तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। किसका पेयर? इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस का, सेपरेटेड बाय कितना से? वेरी स्मॉल डिस्टेंस, बहुत ही कम दूरी पे रखा जाए दो अपोजिट नेचर के चार्ज को विथ इक्वल मैग्नीट्यूड। अपोजिट नेचर के चार्ज लेकिन उनका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल। नेचर कैसा होना चाहिए? डिफरेंट, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तभी तो दोनों में प्यार होगा, एक साथ तभी ना रहेंगे, वरना दोनों एक नेचर का रहेंगे तो रहेगा? किसमें प्यार होता है? प्यार से पॉजिटिव वाले को होता है, किससे? निगेटिव वाला तो सब धोखा है, धोखा है ना निगेटिव, मतलब सारा काम कौन करता है? जितने भी महायुद्ध हुए किसके कारण? आज तक तो कोई सुने हो, यहां तक कि बाहुबली भी बना किसके कारण? किसके कारण बना? आप समझ गए, सब काम कौन करता है? बेचारा, ये तो एक मोहरा है, बालक है, नादान है, ये कुछ नहीं करता है। तो जब ये कुछ नहीं करने वाले को सब कुछ करने वाले के पास लाया जाता है तो एक क्या बनता है? एक सिस्टम बनता है। इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक डायपोल। तो कह सकते हैं क्या चीज? इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सेपरेटेड कितना? वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब लेंथ ऑफ डायपोल का मतलब क्या होता है? इसके सेंटर से इसके सेंटर तक के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? इसका लेंथ। नॉर्मली इसका लेंथ हम लोग किससे डिनोट करते हैं? 2a से लिखते हैं। क्यों लिखते हैं? क्योंकि कोई भी मेजरमेंट हमको करना होता है तो हमेशा इसके सेंटर से हम लोग, मतलब ओ से हम लोग क्या करेंगे? कोई चीज मेजर, इसलिए यहां से यहां कैलकुलेशन में आसानी हो, इसलिए ये डिस्टेंस ए, ये डिस्टेंस ए, इसलिए टोटल लेंथ को किससे डिनोट करते हैं? 2a से। तो क्या सकते हैं? सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस इज कॉल्ड द डायपोल लेंथ, मतलब में नहीं फंसने का। ठीक है, ये बहुरूपिया है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। डायपोल फील्ड का मतलब क्या हो गया? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होता था, इसका मतलब क्या था? किसी चार्ज के आसपास में जो फील्ड बनते थे, जो स्पेस होता था उसके राउंड, जिसमें कोई अदर चार्ज पार्टिकल क्या हो, फोर्स एक्सपीरियंस करे, उसको क्या बोलते थे केशव? उसको बोलते थे उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का एरिया। तो उसी तरह इलेक्ट्रिक डायपोल की हम बात करते, ये भी तो चार्ज है, दो सिमिलर लेकिन क्या सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज है, तो यहां भी तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी इससे। तो ये जो एरिया होगा जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी पाई जाएंगी, उसको क्या बोलेंगे? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पे कोई हमारा चार्ज रह सकता है, तो क्या सकते हैं? सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेड बाय द डायपोल, कौन सा? इलेक्ट्रिक डायपोल, उसको क्या बोलेंगे? उसका डायपोल का फील्ड। अब ये तो चार्ज है, कौन सा चार्ज है? ये हमारा एक पॉजिटिव चार्ज, एक हमारा निगेटिव चार्ज। ये क्या करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को छोड़ता था, कैच कौन करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कौन ले पकड़ेगा? इसको कहां जाके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को संतुष्टि मिलेगी? जो ही निगेटिव चार्ज के पास पहुंचेगा, मतलब इसके पास कितना भी पैसा हो, जाना कहां है, करोड़पति भी हो, लेकिन खर्चा कौन करेगा? निगेटिव चार्ज जितने भी आएंगे। तो इसके कारण जो फील्ड बना, ये सब फील्ड ही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके कारण? डायपोल के कारण। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डायपोल फील्ड। जो डायपोल के कारण प्रोड्यूस हुआ उसको कहेंगे डायपोल फील्ड, जो पॉजिटिव चार्ज के कारण प्रोड्यूस होता था उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड कहते थे, डायपोल के कारण डायपोल फील्ड। अब यहां गौर करोगे, एक हमारा पॉजिटिव चार्ज सेम नेचर का, एक दूसरा हमारा क्या है? निगेटिव चार्ज, मतलब इसको बोल दिए प्लस क्यू, इसको बोल दिए माइनस क्यू। तो इस पूरे सिस्टम को कहीं हम बात करें तो इस पूरे सिस्टम का टोटल चार्ज कितना? जीरो। टोटल चार्ज
मतलब प्लस क्यू माइनस क्यू मतलब जीरो, मतलब बंदे को कह सकते हैं कि इसके ऊपर नेट चार्ज जीरो है। तो कह सकते हैं क्या टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल क्या जीरो, लेकिन जीरो हो जाने से क्या इसका फील्ड नहीं है, फील्ड तो है, यहाँ भी फील्ड दिख रहा है पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो कहीं ये लिखा हो कि नेट चार्ज क्या होता है डायपोल पे जीरो, लेकिन वहां फील्ड होता है ओके, क्योंकि यहाँ चार्ज का क्या है कॉम्बिनेशन है। जैसे इसका एग्जाम्पल होते हैं एटम और मॉलिक्यूल, जैसे लाइक अमोनिया वाटर HCl, ये किसका एग्जाम्पल है, NH3 को क्या बोलते हैं अमोनिया बोलते हैं। तो यहाँ पे N के पास कौन सा चार्ज नेगेटिव, और हाइड्रोजन के पास ये भी तो नेगेटिव पॉजिटिव क्या है मिलके क्या बनाएगा डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है सिंपल सा, चार्ज इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब कह सकते हैं ये हमारा जो चार्ज है इसमें से किसी का भी मैग्नीट्यूड पकड़ लो, क्या पकड़ लो ये माइनस क्यू चार्ज, ये हमारा कौन सा प्लस क्यू चार्ज, दोनों में से किसी के मैग्नीट्यूड के साथ यदि दोनों के बीच के सेपरेशन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम कह सकते हैं यहां से इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ, किसका प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मतलब के या इसके दोनों में से किसी भी चार्ज के मैग्नीट्यूड के, मतलब नेगेटिव वाले या प्लस वाले की चर्चा नहीं होगी, सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड के, मतलब माइनस क्यू का मॉड करो या प्लस क्यू का मॉड करो, मतलब सीधा सीधे इसको क्यू से मल्टीप्लाई करना है। तो क्या था मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दोनों चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या डिस्टेंस है टू वे का डिस्टेंस है, तो टू वे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट हमारा क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी होता है इज इक्वल टू क्यू इंटू टू ए। अब इस वेक्टर ए क्या है एक्सेलरेशन नहीं है, क्या है डिस्टेंस है, टू ए किसका डिस्टेंस है प्लस क्यू और माइनस क्यू के दोनों के बीच का डिस्टेंस को टू ए बोलते हैं, यहाँ एक्सेलरेशन मत पूछ देना। तो ये हमारा वेक्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब क्या था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी है, अब इसका डायरेक्शन होगा वेक्टर होगा तो डायरेक्शन होगा, इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी देखते होंगे यहाँ डायरेक्शन लिखा हुआ दिख रहा है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर से किधर को, तो किधर से किधर रहेगा निगेटिव टू पॉजिटिव। अब इसके यूनिट की बात करते हैं, पहला SI यूनिट की बात करते इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को अभी हम लोग क्या जाने इक्वल्स क्या होता है Q इंटू टू ए, क्यू मतलब कुलम्ब, टू ए मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर, कुलम्ब मीटर हमारा क्या हो जाएगा इसका SI यूनिट। इसके डायमेंशन की बात करते तो कुलम्ब का डायमेंशन क्या होता है 80 और मीटर का L, ATL या इसको लिखते हम लोग क्या लिखते M0 LT और A, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन लिखते हैं M0 LT1 A1 लिख सकते हैं, यूनिट क्या होता है इसका कूलम्ब मीटर लिख सकते हैं। दूसरा सीवीएस यूनिट का क्या होता है फ्रैंकलिन सेंटीमीटर या डिवाइस, हम लोग फ्रैंकलिन सुने थे कभी जब चार्ज पढ़े थे तो फ्रैंकलिन किसका यूनिट होता था चार्ज का, तो कूलम्ब के यहाँ पे फ्रैंकलिन लिख सकते हैं और मीटर के यहाँ पे क्या लिखेंगे सेंटीमीटर, क्योंकि ये कौन सा यूनिट है सीजीएस, सीजीएस में डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है सेंटीमीटर, तो 1 फ्रैंकलिन सेंटीमीटर इक्वल्स लिख सकते हैं 1 स्टेट कूलम्ब पर सेंटीमीटर, 1 स्टेट कूलम्ब सेंटीमीटर, स्टेट कूलम्ब भी हमारा सीजीएस सिस्टम में ही यूनिट है। एक प्रैक्टिकल यूनिट होता है बार बार पूछा जाता है कौन सा प्रैक्टिकल यूनिट, इसका क्या होता है डिवाई, डिवाई का मतलब क्या है समझोगे, टू इक्वल चार्ज इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस इच हैविंग द चार्ज कितना 10^-10 फ्रैंकलिन, कितना चार्ज होना चाहिए बंदे के ऊपर 10^-10 फ्रैंकलिन का चार्ज होना चाहिए और दोनों के बीच का सेपरेशन कितना 1 एंगस्ट्रम, 1 एंगस्ट्रम का मतलब 10^-10 मीटर, यदि बंदे के ऊपर 10^-10 फ्रैंकलिन का चार्ज हो ठीक है, जैसे ये हमारा Q है और ये हमारा क्या है माइनस Q है, इसके ऊपर कितने का चार्ज 10^-10 फ्रैंकलिन का चार्ज इसके ऊपर भी है
और इसके ऊपर भी क्या है 10^-10 फ्रैंकलिन का चार्ज है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 1 एंगस्ट्रम मतलब 10^-10 मीटर होगा। तो हम लोग क्या करें देन द वैल्यू ऑफ डायपोल मोमेंट, तो इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं Q इंटू 2a, या Q कितना है, Q की वैल्यू है 10^-10 और 2a की वैल्यू कितनी है, यही है। तो डायपोल मोमेंट P इज 1/, अब इसकी जो वैल्यू आई इसी को हम लोग क्या बोलेंगे 1/, तो 1/ इक्वल टू कह सकते हैं कितना 3.3 × 10^-30 कूलम मीटर, या कह सकते हैं स्टेट कूलम मीटर। P इक्वल्स टू कितना Q इंटू 2a को सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10^-20 क्या चीज फ्रैंकलिन, क्या चीज और मीटर आएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है 10^-10 मीटर और ये कितना है 10^-10 फ्रैंकलिन। अब ये मीटर है ये फ्रैंकलिन है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमको फ्रैंकलिन को किस में लिखना पड़े स्टेट कूलम में, तो हम लोग देख रहे हैं फ्रैंकलिन और स्टेट कूलम सेम बात है, तो इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं 10^-2 सेंटीमीटर, ये कितना हो जाए सॉल्व करके 10^-18 फ्रैंकलिन सेंटीमीटर, यही तो यहाँ लिखा हुआ है, होएगा। जवाब चलो यहाँ देखो ये घोर बेच जाती है, इससे बुरा हाल कुछ नहीं होता है। चलो यहाँ ध्यान दो क्या दिया, 2 charges 1 इतना मतलब हमको Q1 इक्वल टू कितना +5 microcoulomb और Q2 कितना दे दिया -5 microcoulomb, ओके। और कितना ये पार्ट है एक दूसरे से कितने दूर, मतलब दोनों का 2a की वैल्यू हमको कितना दे दिया है 1 mm, मतलब ये हमारा चार्ज कौन सा Q1, ये चार्ज हमारा कौन सा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना 1 mm दिया हुआ है और दोनों के बीच के डिस्टेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं 2a बोलते हैं। तो हम लोग डायपोल मोमेंट कैलकुलेट क्या करना है हमको, डायपोल मोमेंट P इक्वल टू क्या होता है Q × 2a, Q की वैल्यू कितनी दोनों में से किसी का मैग्नीट्यूड मतलब 5 microcoulomb × 2a मतलब 1 mm, तो 5 माइक्रो का मतलब 10^-6 coulomb × 1 mm का मतलब 10^-3 meter, ये कितना हो गया 5 × 10^-9 क्या चीज कूलम मीटर। तो सबसे यार जो डाउट आता है वो इस बात का आता है कि यदि लेंथ कभी दिया रहता है मान लो, ठीक है, तो लोग कहते हैं भैया 2a = 1 mm लिखे या a = 1 mm लिखे, हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं Q × 2a क्या होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस, हम लोग हमेशा 2a की जगह पे दोनों के बीच का डिस्टेंस लिखेंगे ना कि a के जगह पे लिखेंगे, ठीक है, ये कभी नहीं करेंगे। चार्ज Q − 2Q आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC ऑफ साइड L, गिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम का क्या बताना है हमको, क्या बताना है डायपोल मोमेंट, कैसा सिस्टम है, बहुत ही प्यारा सा सिस्टम है, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिए, क्या कह रहा है ये सब चार्जेज हैं कहाँ कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे है, मतलब मान लियो कि यहाँ पे 2Q को हम डाल दिए, यहाँ पे Q को डाल दिए, यहाँ पे हम Q को डाल दिए, और क्या बोला इक्विलेटरल ट्रायंगल जो हमारा है कौन सा A, B और C, इसका साइड कितना दिए हुए है L, हमारा साइड दिए हुए है, तो कह रहा है भैया बताइए कि इस पूरे सिस्टम का नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होगा, यह ना पूछा जा रहा है, तो हम बता सकते हैं ना। देखिए अब तक गौर कीजिएगा, भावनाओं को समझिए, ये माइनस 2Q है तो मतलब यहाँ पे कितने क्यू है, दूगो क्यू है माइनस चार्ज वाला, मतलब दूगो माइनस चार्ज है, एगो हिया एगो प्लस एगो हिया प्लस, एक हम ऐसे लिख सकते थे, तनि भावनाओं को समझते हुए बात करेंगे, इसको हम इसको हटा दिए और इसको हम ऐसे लिख देते हैं एगो माइनस क्यू इन्ने से एगो माइनस क्यू इन्ने से, है ना, लिख सकते हैं। आप थोड़ा गौर कीजिए भावनाओं को समझते हुए, ये माइनस क्यू ये क्या है प्लस क्यू, ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनाएगा, और ये माइनस क्यू और ये वाला प्लस क्यू क्या बनाएगा,
दूसरा इलेक्ट्रिक डायपोल, तो इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन क्या होता है, माइनस से प्लस, पढ़े थे बउआ, इलेक्ट्रिक डायपोल का डायरेक्शन कैसा होता है, ऐसा निगेटिव से पॉजिटिव, यहां भी क्या होगा ऐसा होगा। यदि हम डायपोल निकाल ले, यहां भी लेंथ कितना हमको पता है, यहां से यहां तक का लेंथ कितना L, तो हमारा क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल, दूसरा सेम होगा क्योंकि लेंथ भी सेम है, चार्ज भी सेम है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल भी, एंगल कितने का होता है, 60 का, ये हमको 60। अब दो वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल हमको पता है, तो रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। सबसे पहले P की वैल्यू क्या होगी, P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, Q इंटू दोनों के बीच का लेंथ कितना, डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना, माइनस और प्लस, या माइनस से प्लस के बीच का डिस्टेंस कितना, L, तो लिख सकते हैं Q इंटू L, मतलब सिंपल सा QL क्या निकल गया हमको, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकला। अब P इक्वल टू कितना हमको पता है, QL, यहां भी P इक्वल टू कितना पता है, QL यहां भी। हम लोग रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, R इक्वल टू रूट अंडर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। कहियो सुने थे, सुने होंगे, ए क्या है यहाँ पे, QL का स्क्वायर, बी क्या है, QL का स्क्वायर प्लस टू QL, QL और कॉस कितना, कॉस 60 डिग्री। बहुत बढ़िया, सही जवाब जा रहा है। यहाँ से क्या हो गया हमको, ये क्या है, क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है, जल्दी बोलो, 1/2, ये हो गया 1/2, 2 से 2 साफ, इसको लिख सकते हैं क्या, 3 क्यू स्क्वायर एल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसमें से क्या बाहर आएगा, रूट अंडर 3 अंदर रहेगा और ये हमारा क्यू एल बाहर आ जाएगा, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट क्या होगा, क्या होगा यूनिट, क्यू लेंथ मतलब कूलम्ब मीटर, ये आंसर है कहीं से, बिल्कुल नहीं है, ऐसे कैसे आ गया, तो रूट 3 क्यू एल, हमारा सब तो सही है, तो हमारा कहा है इस चारों में से आंसर ही गलत था, चलो हम 3 इसमें दिख रहा है, इसको सुधार लेते हैं, लिखने में मिस्टेक, ठीक है, क्या हो गया, लिखने में मिस्टेक ना हो सकता, जल्दी जल्दी में लिखना पड़ता, भावनाओं को समझो, इसमें रूट 3 क्यू एल, ठीक है, 3 पॉइंट चार्जेज प्लस क्यू माइनस टू क्यू एल क्यू आर प्लेस एट ए पॉइंट कहा, 0 a 0, मतलब इसे कौन सा कोऑर्डिनेट दिए हुए है, वाई कोऑर्डिनेट दिए हुए है, मतलब ये हमारा पहला वाला पॉइंट कहाँ है, प्लस क्यू कहाँ पहुंचा हुआ है, 0 a 0 का मतलब क्या है, उस पर सिर्फ वाई एक्सिस पे है, कितने पे, यहाँ, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 a 0, इसका कितना चार्ज, प्लस क्यू, माइनस टू क्यू कहाँ है, 0 0 0, मतलब यहाँ पे है माइनस टू क्यू, इसी का कोऑर्डिनेट 0 0 0 होता है। हमारा तीसरा कहाँ है, ए पे, मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस होता है, यहाँ पे भी हमारा कहाँ पे है, ए 0 0, यहाँ पे क्या हमारा प्लस क्यू है। अब सवाल ये है कि आप देखो यहाँ माइनस टू क्यू है, इसकी भावनाओं को समझे, तो यहाँ पे क्या सकते हैं, माइनस क्यू भी है और दूसरा माइनस क्यू भी है, एक हमारा यहाँ पे चार्ज है प्लस क्यू, एक ये, चलो एक ही हम रखते हैं, हटाओ दो क्यों रखेंगे, एक को हटा लेते हैं, एक दूसरा कह रहा हमारा कैसा है, कुछ यहाँ पे प्लस क्यू है और यहाँ पे माइनस क्यू है, एक ही बात है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसके कारण इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इसके कारण क्या होगा, निगेटिव टू पॉजिटिव होता है ना, हम लोग जानते हैं, इस तरफ पी, इसके कारण इस तरफ पी होगा, तो दोनों के कारण हम फाइनल वाला यदि चलते हैं तो क्या होगा, इस दोनों के कारण कुछ रिजल्टेंट होगा, पी का पी क्या कह सकते हैं इसको, नेट, तो पी की वैल्यू क्या,
सी इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू इंटू दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है ए, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट क्या है वाई पे ए है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ए ही होगा ना, तो चार्ज मतलब क्यू और दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब ए, इसको क्या लिख सकते हैं क्यू ए। अब हमको पता चल गया यहां पर दोनों पी सेम, थीटा कितना होगा दोनों के बीच का, दोनों वेक्टर के बीच का 90 होगा, तो फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग रिजल्टेंट का, आर इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और कॉस 90 कितना जीरो, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा जीरो। तो ये फॉर्मूला सीधे क्या बनता था, फैक्टर जब पढ़े थे तब की बात कर रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो पी नेट इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं रूट अंडर क्या क्यू ए का स्क्वायर प्लस क्यू ए का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा रूट अंडर टू क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर टू क्यू ए लिख सकते हैं। अब सवाल ये है कि भैया रूट अंडर टू क्यू ए तो तीन गो में, मतलब ये साफ बाकी ये तीन में है, अब इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये डायरेक्शन किधर होगा, ये भी वही, तो फोर्स किधर से निकलेगा, बीचों बीच निकलेगा, यदि थीटा निकालोगे तो थीटा निकाल सकते हैं इससे, तो थीटा कितना आएगा, मतलब सो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी 45 डिग्री, तो ये जो यहां बंधु पहुंचेगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, जितना एक्स चलेगा उतना ही वाई चलेगा, 45 का मतलब क्या होता है, ये यदि 45 पे जा रहा है तो जितना एक्स चला है उतना ही वाई चलेगा, यहां भी यदि 45 के पर रहता तो जितना x उतना ही हमारा क्या चलता y भी चलता, तो मतलब इस पॉइंट पे भी कोऑर्डिनेट x और y का क्या होता है, तो 1-1 हम करते, इस पॉइंट पे यदि करते 2-2 करते, मतलब x का वही कोऑर्डिनेट होगा जो y का होगा, तो मतलब इसमें किस में है, ये तो 0-0 ठीक है, और दूसरा हमारा ये और ये ठीक है, तो क्या कह रहा है रूट अंडर पी क्यू अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, उस लाइन पे होगा जो इस पॉइंट को, मतलब इस पॉइंट को जोड़ रहा हो और किसको जोड़ रहा हो ए ए जीरो को, दूसरा कह रहा है क्यू क्यू ए अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस, क्यू ए तो आंसर में नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो गया पहले ही, तब ऑप्शन ए चलेगा, टू रूट अंडर टू क्यू ए अलोंग एक्स एक्सिस है, क्या एक्स एक्सिस के अलोंग तो नहीं है, ये क्या है एक्स एक्सिस साथ 45 पे है, ये भी खत्म, रूट अंडर टू क्यू ए अलोंग वाई एक्सिस है, क्या नहीं है, ये भी खत्म, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा होगा, आया समझ में, इट इज द शेप किसके अराउंड द डायपोल इन विच इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या होता है एक्सपीरियंस किया जाता है, अब ये हमारा क्या है इलेक्ट्रिकल डायपोल के कारण, अब किसी चार्ज को यहां रखेंगे तो क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट एक्सपीरियंस करने का क्या मतलब होता है कि वो यदि कोई चार्ज पार्टिकल को रखे तो क्या करेगा, वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, तो कह सकते हैं इट इज द स्पेस अराउंड द डायपोल इन विच द इलेक्ट्रिकल इफेक्ट ऑफ डायपोल कैन बी एक्सपीरियंस, जैसे हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब पढ़ेंगे उस समय बात करेंगे। दूसरा देखते हैं आइडियल डायपोल या पॉइंट डायपोल, आइडियल का मतलब क्या है जो नहीं है, आइडियल कौन होते हैं, किसी को देखते हो भाई आइडियल किसको माना जाता है, जो मर चुके होते हैं, 90% आइडियल वही आज की डेट में सबका आइडियल क्या हो गया है, जिसको देखो जिसको भगत सिंह का आइडियल है, अब लक्षण भी होना चाहिए भगत सिंह वाला। डायपोल इज अ शॉर्ट डायपोल विथ लार्ज वैल्यू ऑफ क्यू एंड नेग्लिजिबल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, आइडियल डायपोल किसको कहते हैं, जब क्यू की वैल्यू किसके रिस्पेक्ट में डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में क्या हो बहुत ज्यादा हो, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है टू वे, और यदि टू वे के रिस्पेक्ट में ठीक है क्यू की वैल्यू क्या हो बहुत ज्यादा हो, तो कह सकते हैं आइडियल डायपोल इज अ शॉर्ट डायपोल विथ लार्ज वैल्यू ऑफ क्यू एंड निग्लिजिबल वैल्यू ऑफ क्या टू ए, टू ए की वैल्यू बहुत ही निग्लिजिबल हो, तो उस टाइप केस में क्या होगा हमारा, उसको क्या बोल सकते हैं आइडियल डायपोल, कह सकते हैं आइडियल डायपोल हैज ऑलमोस्ट नो साइज बट हैज फाइनाइट डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट के पास क्या होता है स्वाभाविक टू ए की वैल्यू बहुत ही कम होगी, तो उसका साइज क्या होगा लड्डू, तो लड्डू हो गया साइज हमारा इसका, क्या कहते हैं P इक्वल्स टू Q इंटू टू ए।